हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में होली के शुभ अवसर पर अकाउंट म्यूचुअल ट्रांसफर रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको जाए। साथियों, आप सभी लोग को हमारे चैनल के द्वारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और जितने भी रेल कर्मचारी भाई बंधु हैं जो इस होली के मौके पे घर आ पाए और कुछ लोग नहीं आ पाए, जो अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं, रेल की सेवा कर रहे हैं, उनको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको बता देना चाहता हूं कि इस होली में आप जहां भी रहें पूरा मस्त रहें, अच्छी तरह से ड्यूटी करें और होली को एंजॉय करें, क्योंकि हर कोई को संभव नहीं है कि वो अपने परिवार के पास और घर में ही आके पर्व त्योहार को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं भी रहें लेकिन अच्छे से होली को मनाएं। और इसी होली में मैं आपको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी जल्द से जल्द अपने घर आने का कोशिश करें, इसके लिए कार्यरत रहें। और मैं वीडियो में बताऊंगा कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, जो आपके मन में हमेशा चलते रहता है कि कैसे करें, कहां करें, कब होगा, कितना दिन लगेगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करता हूं। तो जैसा कि साथियों, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बताए थे कि सुपरवाइजर जो होता है वो किस प्रकार से फाइल को ट्रांसफर करता है। आप लोग का उस वीडियो में अच्छा प्यार दुलार मिला, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल हूं आदर सत्कार करता हूं। और आज मैं बता रहा हूं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है वो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था फ्लो चार्ट के द्वारा कि म्यूचुअल ट्रांसफर को कैसे किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आया कि सर ये पुराना वाला फ्लो चार्ट है, नया बताइए। तो साथियों, मैं उसमें भी पुराने में भी नया बताने का कोशिश किया था, लेकिन फिर भी नया वाला मुझे फ्लो चार्ट मिला तो मुझे लगा कि अब आपको उसके द्वारा भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान दिख रहे थे। तो नए वाले फ्लो चार्ट में बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप को कर सकते हैं। तो साथियों, उसमें होता क्या है कि जब एम्प्लॉय वन फाइल को फॉरवर्ड करता है, मतलब सबमिट करता है अपने सुपरवाइजर को, लेकिन वो फाइल जाती है एम्प्लॉय टू के पास। जब एम्प्लॉय टू फाइल को सबमिट करता अपने सुपरवाइजर टू के पास, तो वो आती है रिक्वेस्ट के रूप में सुपरवाइजर वन के पास। जब सुपरवाइजर वन अपने डीसी को करता है तो वो फाइल जाती है सुपरवाइजर टू के पास। अब सुपरवाइजर टू डीसी को फाइल फॉरवर्ड करता है तो जाता है दोनों डीलिंग क्लर्क के पास, दोनों डीसी वन और डीसी टू के पास, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको। अब जब दोनों डीसी के पास चला गया फाइल, तो वो आपको फाइल को दोनों डीसी बीओ को फॉरवर्ड करेगा, मतलब ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। पहले होता था कि पहले बीओ के पास जाता था उसके बाद डीसी को जाता था, लेकिन अब क्या है, नए वाले रूल में
कि आपको डीसी को पहले करेगा और डीसी उसके बाद बीओ को करेगा। अब बीओ को करने के बाद अब जिसका डीसी पहले बीओ को फाइल फॉरवर्ड करेगा तो उसकी प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होगा। तो ये तो एक बेसिक जानकारी था जो कि किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं अब आपको फ्लो चार्ट पे लेके चलता हूँ, न्यू अपडेट वाली फ्लो चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका फाइल रन करता है, किसके किसके पास से होके गुजरता है। तो चलिए मैं चलता हूँ न्यू फ्लो चार्ट के ऊपर, और वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं चलता हूं लेके आपको फ्लो चार्ट पे। तो साथियों, अब आपको मैं फ्लो चार्ट के न्यू वाली अपडेट फ्लो चार्ट के ऊपर लेके आ चुका हूं, जिसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस। देखिए ये म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस है वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो साथियों देखिए कि ऊपर में है एम्प्लॉय वन फाइल फिल फॉरम, है एम्प्लॉय वन फिल फॉरम, वो जब फॉरम को फिल करेगा, सबमिट करेगा अपने सुपरवाइजर को, तो जाएगा एम्प्लॉय टू के पास, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद एम्प्लॉय टू फाइल को सबमिट करेगा तो जाएगा सुपरवाइजर वन के पास, और सुपरवाइजर वन को डीसी को करेगा तो वो जाएगा सुपरवाइजर टू के पास। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए कि कह रहा है कि सुपरवाइजर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज फिल देयर रिमार्क्स एंड फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड डीलिंग क्लर्क। अब दोनों का सुपरवाइजर जो होता है वो डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेगा। अब देखिए वो डीलिंग क्लर्क वन और डीलिंग क्लर्क टू, जब ये दोनों फाइल को फॉरवर्ड करें, जब डीसी वन और डीसी टू है वो बारी बारी से बीओ को करेंगे, ब्रांच ऑफिसर वन को और ब्रांच ऑफिसर टू को। यहाँ तक तो आपकी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद अब क्या है कि जिसका ब्रांच ऑफिसर पहले फॉरवर्ड करेगा, मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि ब्रांच ऑफिसर वन फाइल को फॉरवर्ड कर देता है पर्सनल ब्रांच में, तो वो फाइल जाएगी ओएस के पास। अब ओएस जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट होता है उसके पास है जी कि आपका जाएगा, और ओएस फॉरवर्ड करेगा सीएचओएस के पास, चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। अब वो फाइल को फॉरवर्ड करेगा चीफ आपके एपीओ के पास, जब एपीओ से फाइल जाएगी तो एपीओ फॉरवर्ड कर देगा अपने सीनियर डीपीओ के पास, और सीनियर डीपीओ फॉरवर्ड करेंगे डीआरएम के पास, और डीआरएम अप्रूवल रिटर्न टू बैक एज ए रिजेक्टेड। अब कह रहा है कि जो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी फाइल होती है म्यूचुअल वाली, वो डीआरएम अप्रूवल लास्ट तक जाती है। जब डीआरएम अप्रूवल तक चली जाएगी उसके बाद से, मतलब रिमार्क वगैरह डाल के एपीओ फॉरवर्ड, मतलब उसके बाद रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करने के बाद आपको एपीओ फिर से यहाँ से घूमने के बाद रिटर्न करनी होगी, तो एपीओ फिर से क्या करेंगे ओएस के पास रिटर्न करेंगे। अब एपीओ फॉरवर्ड उसके बाद जब वहाँ से एनओसी वगैरह तैयार हो जाएगा तो एपीओ फिर फॉरवर्ड कर देंगे अदर पोस्ट कंट्रोल यूनिट को। एपीओ फिर से वो दूसरे डिवीज़न को क्या करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, जो कंट्रोलिंग रेलवे होता है उसमें फिर से ओएस करेगा, एपीओ फिर फॉरवर्ड करेगा रिटर्न टू डिवीज़न को। ये प्रक्रिया इंटरनल होने के बाद आपका एपीओ फॉरवर्ड करेंगे अदर यूनिट को और डिवीज़न को। जब अदर यूनिट में जाएगा तो
अदर रेलवे में जिसके साथ आप म्यूचुअल लगाए हैं तो वहाँ जाएगा फाइल बीओ के पास, और बीओ फॉरवर्ड करेंगे ओएस के पास, और ओएस फॉरवर्ड करेंगे चीफ ओएस के पास, उसके बाद चीफ ओएस करेंगे एपीओ के पास, और एपीओ फॉरवर्ड करेंगे सीनियर डीपीओ के पास, और सीनियर डीपीओ फॉरवर्ड करेंगे डीआरएम अप्रूवल के लिए। जैसा कि ऊपर में प्रक्रिया हुआ है नीचे में भी सेम प्रक्रिया होगी, और उसके बाद सीनियर डीपीओ साहब जो हैं फॉरवर्ड कर देंगे डीआरएम के पास अप्रूवल के लिए, और जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर वो पोस्ट करेंगे एपीओ अप्रूवल को कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट में जब वो फाइल जाएगी तो फिर से यहाँ पे एपीओ है जो क्या कर देंगे रिटर्न के रूप में रिटर्न करेंगे उसको ओएस के पास, फिर से एपीओ के पास, और पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट रेलवे में एपीओ फॉरवर्ड टू अदर यूनिट रिटर्न टू डिवीजन के बाद सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगा, दोनों तरफ का एनओसी हो जाएगा, तो फिर आपका जो ड्राफ्टिंग ऑर्डर है उसके लिए किया जाएगा, ड्राफ्टिंग ऑर्डर आपको जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही ड्राफ्टिंग ऑर्डर जारी होता है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए रिलीविंग ऑर्डर निकाला जा सकता है। तो साथियों यही जो है आपका फ्लो न्यू वाली फ्लो चार्ट है जिसके ऊपर मैं आपको बताए थे पिछले भी वीडियो में, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर सिर्फ ऊपर वाला में चेंजिंग है, बाकी नीचे सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों जैसा कि आपने देख लिए कि फ्लो चार्ट के द्वारा किस प्रकार से म्यूचुअल की प्रक्रिया आपको किया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग आया होगा पुराने फ्लो चार्ट और न्यू चार्ट में। पुराने फ्लो चार्ट में आपका एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू के बारे में डिटेल से नहीं दिया गया था, और डीसी के बारे में नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें है आपका पूरा क्लियर कर दिया गया है कि फाइल किस प्रकार से होकर हमारी गुजरेगी और रन करेगी। तो साथियों यही था ट्रांसफर की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट, जिसको आप फॉलो करके जल्द से जल्द अपनी म्यूचुअल ट्रांसफर करा के अपने घर को वापस होम डिवीजन होम टाउन में आ सकते हैं। और साथियों जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये होली जो है एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंध का त्यौहार है, उसे अच्छे संबंध के रूप में ही एंजॉय करें, मनाएं, किसी तरह का किसी प्रकार का उलझन ना हो, किसी को कोई क्षति ना पहुंचाते हुए प्यार से एक दूसरे से गले मिलें और रंग गुलाल खेलें, और अपनी ड्यूटी पर होते हुए ड्यूटी को भी अच्छी तरह से निर्वहन करें जैसा कि हर रेलवे कर्मचारी कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार के दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।